तो गाइस 10-15 हजार में ग्राफिक कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। क्रिप्टो पे टैक्स लग गया है, ग्राफिक कार्ड ही ग्राफिक कार्ड मार्केट में आने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस मुझे पता है कि सब लोग यही सुनना चाहते हैं, शुरू से ही हम लोग भी यही सुनना चाहते हैं कि ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में अपने MSRP पे आ जाएं और सेल होना शुरू कर दें। बट गाइस ये वीडियो बनाने के बहुत सारे रीजंस हैं। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मार्केट में एक्चुअली में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स आने वाले हैं, और वो कैसे आने वाले हैं, क्या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे हम इस मतलब नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट में 2022 में आपको भरपूर अमाउंट में ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे। इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज के बिल्कुल खोल के आपके सामने रख देंगे, ताकि डिसीजन आप हमसे ना सुनो, आप खुद भी डिसीजन बना सको कि एक्चुअली में 2022 कैसा होने वाला है जहां तक कि ग्राफिक कार्ड्स की मार्केट का सवाल है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक बहुत ही बढ़िया चीज आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करने वाला हूं, तो एंड तक देखना और कहीं मत जाना। वी विल बी राइट बैक। तो गाइस वीडियो की शुरुआत से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको ऐसा ही पीसी रेडिट कंटेंट देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में दबाइए उस बेल आइकन को भी विद द ऑल बटन, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस अब हम आते हैं अपनी आज की वीडियो पे कि ग्राफिक कार्ड की क्या सिचुएशन होने वाली 2022 में। तो गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, कल ही 1 फरवरी को जो आपका बजट रिलीज हुआ है इंडिया का 2022 का, और उसमें जो हमारे ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लग गया है। सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि आप चाहे क्रिप्टो खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आप किसी भी डिजिटल करेंसी को अगर ओन कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको ट्रांजेक्शन पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको 1% TDS भी देना पड़ेगा फॉर ऑल काइंड ऑफ योर डिजिटल करेंसीज या जो भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं। अब जितने भी हमारे माइनर्स हैं, मुझे पता है आप लोग कहीं ना कहीं तो ठीक है टैक्स देना पड़ रहा है, पर एक रिलीफ भी आया है आप लोगों को कि भाई कहां तो सोचते थे क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्या होगा हमारे इतने सारे एसेट्स का जो हमने ले रखे हैं, बट अब 30% टैक्स है, ठीक है ज्यादा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जान बची तो लाखों पाए, कोई नहीं 30% भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जीरो तो नहीं हो रही उसकी वैल्यू। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी ले रखी है, जिनके पास क्रिप्टोज हैं या जो माइन करते हैं, उनकी बात ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डिस्करेज भी हुए हैं इन एक्शन से, इस बिल से, क्योंकि पहली बात क्रिप्टो की मार्केट वैसे ही बहुत डाउन चल रही है। आपको पता है कि 1,80,000-1,90,000 पे भी इथेरियम कुछ दिन पहले आ गया था, अब तो 2,10,000-2,15,000 पे होगा मेरे ख्याल से। तो इस सिचुएशन में जैसे मार्केट ऑलरेडी डाउन है और ये क्रिप्टो पे टैक्स वाली चीज भी आ गई है, तो जितने भी ये ग्राफिक कार्ड माइनर्स थे इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, 100% आएगा। हर किसी की पॉकेट्स इतनी लंबी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाए, और तब जब प्रॉफिट ही ना हो। कि आपको पता है कि इथेरियम जैसा जो कॉइन है उसको माइन करना कितना मुश्किल हो गया था, डिफिकल्टी बढ़ गई थी ओवर द इयर्स, और उसको माइन करने के पीछे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई थी। अब उस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी जब आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%, तो फिर जितने भी माइनर्स हैं वो कहां जाएंगे, मतलब उनको बचेगा ही नहीं कुछ, तो वो करेंगे क्या उसका। तो उस वजह से जितने भी एग्जिस्टिंग माइनिंग के अंदर जो ग्राफिक कार्ड्स लगे हैं वो मार्केट में देखने को मिलेंगे। अब जो कार्ड मार्केट में आ रहे हैं ऑब्वियसली वो तो सेकंड हैंड है, बट काफी सारे कार्ड्स तो नए लगे होंगे अभी जो 2-3 महीने भी नहीं चले होंगे, और वो एक्चुअली में अच्छी कंडीशन में होंगे यूज करने लायक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग भी सेकेंड हैंड ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, भाई हम तो बेचते नहीं है, बट जो भी ले रहा है काफी सोच समझ के लेना, टेस्ट कर लेना, 1-2 महीने की वारंटी लेकर लेना, तभी ये सही डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा जो नए ग्राफिक कार्ड्स भी आ रहे हैं उनके ऊपर अब माइनर्स की नजर थोड़ी कम जाएगी। आपको ये पता है कि जितने भी नए कार्ड्स आएंगे जब माइनर्स नहीं लेंगे तो किसके पास जाएंगे, हमारे पास जाएंगे, और हमसे आपके पास जाएंगे, आपसे फिर आपकी गेमों में जाएंगे और मजेदार काम हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें यही चाहिए, हमें किसी का नुकसान नहीं करना। देखो माइनर्स जिसने खर्चा कर दिया यार यूज हो जाए उसका तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो सेकेंड हैंड मार्केट में भी आएगा तो अच्छे दाम पर निकल जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। बाकी जो नए आ रहे हैं हम चाह रहे हैं कि आपके पास तक पहुंच जाएं किसी तरह से। और इसके अलावा ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, मैं इसी बात को लेकर इतनी बड़ी घोषणा नहीं कर दूंगा कि ग्राफिक कार्ड्स ही ग्राफिक कार्ड्स आने वाले हैं 2022 में, मजेदार काम होने वाला है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बताते हैं। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है पीसी गेमर के नाम से, मैंने अपने लैपटॉप पे खोल भी रखी है यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पीसी गेमर ने एक ओपन लेटर लिखा इंटेल के सीईओ पैट गेलसिंगर को। अब इस ओपन लेटर में उन्होंने हमारे सब गेमर्स का
रिटेलर्स का दिल का दर्द व्यक्त करके दे दिया। आप समझ सकते हो कि पीसी गेमर जो है इतनी बड़ी एक न्यूज इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट है और मतलब बहुत बड़ा एक ब्रांड टाइप ही है आपकी जो न्यूज इंडस्ट्री का आईटी प्रोडक्ट्स और जो पीसी प्रोडक्ट्स में जाते हो तो उसका नाम ही पीसी गेमर है। आप देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो उसने सीधा सीधा लिखा, डियर पैट कैन आई कॉल यू पैट जस्ट टू बी फॉर्मल। उसने लिखा कि भाई हम लोग काफी टाइम से परेशान हैं इंटेल और एएमडी की मार्केट मोनोपोली से, जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं इन्हीं दो कंपनीज से आते हैं और काफी टाइम से इन लोगों ने प्राइसेस इतने ज्यादा हाई कर रखे हैं कि हम लोग ग्राफिक कार्ड्स बेच नहीं पा रहे और खरीद नहीं पा रहे लोग। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द फेट ऑफ पीसी गेमर्स हैज बीन इन द हैंड्स ऑफ टू ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरर्स, एनवीडिया एंड एएमडी। इट वॉज विद ग्रेट एक्साइटमेंट दैट वी learned of Intel's renewed desire to enter into the discrete graphic cards market. तो अब इसने ये लिखा कि मतलब कितनी ज़्यादा desperation है Intel को market में देखने की, कि जब market में आएगा Intel तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा बाकी जो gamers हैं, जो users हैं graphic cards की, उनके लिए भी, क्योंकि competition मिलेगा AMD और Intel को और कहीं ना कहीं लोग expect कर रहे हैं कि Intel कुछ better pricing लेके आएगा। तभी इन्होंने लिखा कि we really need you right now in the market. अगर आपने देखा होगा guys कि अभी recently जब 6500 XT और 3050 भी launch हुए तो वो एक budget category को target करके launch हुए, but जब तक आप AMD और Intel को लेके चल रहे हो तो ये जो budget category भी है ना, ये जो पहले 15-16,000 रुपए थी अब वो चेंज होके 35-40,000 रुपए जा चुकी है। आपको 3050 35-40,000 रुपए का मिल रहा है, that is not budget graphic card. परफॉर्मेंस उसकी बजट वाली है बट उसके जो लक्षण है मतलब जो उसके प्राइसेस हैं वो उसके बजट वाले नहीं है। यहीं पर ही इंटेल के जो आर्क जीपीयूज हैं, जो एल्केमिस्ट रेंज है उसकी, उसके काफी सारी मैंने वीडियोस डाली हैं, मैं ऊपर आई कार्ड में भी शेयर कर लूंगा। आप देखोगे तो उसको जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, Q1 में तो सोच रहे थे कि वो लॉन्च हो जाएगा बट कहीं ना कहीं अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई Q2 छोड़ो, Q3 छोड़ो, 2022 में भी लॉन्च कर दोगे और 10 से 15,000 की रेंज में अगर एल्केमिस्ट जीपीयूज लॉन्च हो जाएंगे तो फिर ये जो AMD और NVIDIA की जो मोनोपोली है ग्राफिक कार्ड्स की, उसको एक काफी बड़ा डेंट आएगा और आपको ग्राफिक कार्ड सस्ते देखने को मिलेंगे। तो इस लेटर का जवाब इंटेल ने दिया, सबसे पहले तो इंटेल के जो राजा कडोरी है उन्होंने दिया, उन्होंने लिखा कि आई एम विद यू पीसी गेमर, दिस इज अ ह्यूज इशू फॉर पीसी गेमर्स एंड द इंडस्ट्री एट लार्ज। Intel Graphics is working hard to find a path towards the mission getting millions of RGPUs into hands of PC gamers every year. मतलब millions of GPUs हर साल अब आपको Intel के देखने को मिलेंगे। ये Intel के काफी बड़े जो authority है जो Intel Graphics को handle करते हैं उन्होंने बोला है, और इसके अलावा जो Intel के CEO है उन्होंने भी इस चीज का reply किया और बोला कि we are on it। हम, अगर आपको पता है कि Intel इस द्वंद युद्ध में आ गया है ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस को हैंडल करने के लिए, तो वो तो होकर ही रहेगा और इंटेल 2022 में मुझे, मेरी गट फीलिंग है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एनवीडिया की तरह नहीं है कि 3090 Ti को जब CES में लॉन्च किया तो ये बूढ़े बाबा ने बोला कि 3090 Ti तुम्हारा ये ऐसे ऐसे फीचर्स के साथ अब तुम्हें बाकी के फीचर्स मंथ एंड में मिलेंगे। भाई जनवरी खत्म हो गया, मंथ एंड हो गया, अब तक हमें कोई फीचर्स नहीं मिले 3090 Ti के। हालांकि हम लोगों ने अपने एंड पे काम करके 3090 Ti के जो लीक्ड वर्जन्स थे वो आपको बता दिए थे, वो आपको मैं आई कार्ड में ऊपर शेयर कर लूंगा, आप देख लेना। बट इंटेल की तरफ से कोई भी फॉर्मल ऑफिशियल कोई भी स्पेसिफिकेशंस या लॉन्च अभी नहीं हुआ है कि वो आपको मार्केट में कब देखने को मिलेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं। इंटेल से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप अच्छी चीज बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इट कैन टेक सम एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, आप टाइमलाइन में रखोगे वो चीज अच्छी नहीं बनेगी, बट अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब मैं होपफुल हूं कि भाई कुछ ना कुछ बढ़िया और बजट में देखने को मिल सकता है। तो गाइज This is it from my side. मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा hopes बांध दी हैं आप लोगों की, और बनता भी है। जो भी situation market में चल रही है, आप लोग ऐसे websites पर जाके और इन सब लोगों को follow नहीं कर सकते, हम लोग करते हैं, तभी हमें पता है कि भाई ये चीज होने वाली है और आप लोग का वो जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, दिस इज अजय द्विवेदी साइनिंग ऑफ। चैट लैब टेक टिप्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।